गमे अमीरुल मोमिनीन वो जरबत नहीं है, गमे अमीरुल मोमिनीन शहादत नहीं है, वो तो इश्तियाक है अमीरुल मोमिनीन का और हर अली वाले का इश्तियाक है, वो मजलूमियत नहीं है। अली की मजलूमियत आपको 238 खुतबात में मिलेंगी। अली की मजलूमियत क्या? मौला अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, मुझे निजाम जो दिया गया है ना आका ने तीन खिलाफतों के बाद, जब मौला के पास आए ना मौला ने अमीरुल मोमिनीन ने कि जिसकी विलायत की वजह से रिसालत बची है, आया बल्लिग आपके सामने रिसालत बची है, तो अली अलैहिस्सलाम की विलायत की वजह से, वो अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे जब हुकूमत और इक्तदार मिला है तो वो इसी तरह से मिला है जैसे किसी सालन के उस कटोरे में चिकनाई बाकी नहीं रहती, उस चिकनाई की मानिंद मिला है, वो भी चिकनाई जो बेजान है। नहजुल बलागा में मौला अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं उस चिकनाई के बारे में, मेरी हालत ये मुझे ऐसे लोग मिले दर्द अमीरुल मोमिनीन, क्या शिया नहीं थे, क्या अली का नाम लेने वाले नहीं थे, सब थे हमारी तरह थे, आज भी हम नहीं है, शिया नहीं है, कहां है फिर वक्त का अली, अगर ऐलान नबुवत के बाद ऐलान विलायत अमीरुल मोमिनीन नहीं होता, यानी कि आपने नबुवत का असलन कोई काम, कुरान 6000 से जायद आयात पर मुश्तमिल है, हम अपने बच्चों को अपनी कौम को अपने मिल्लत को विलायत के उनवान से किस आयत को हदिया कर सकते हैं? आय विलाया कौन सी है कि जिस आय विलाया पे बनो उमैया ने इतना प्रोपेगंडा किया, ऐलान विलायत जिस आयत पे मुनहसर है उस पे इतना प्रोपेगंडा, दुश्मन ने अपने पूरा काम अंजाम दिया, हमने क्या किया? अरे दुश्मन ने विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए किस कदर अहमियत कि बनु उमैया ने और खासकर बनु उमैया का सरगना मुआविया ने बाकायदा एक शोबा बनाया जिसमें जितनी फजीलत अमीरुल मोमिनीन की थी उसे शेखैन के सुपुर्द किया गया। काम ही ये था कि जो विलायत अमीरुल मोमिनीन की है उसे तकसीम कर दिया जाए तमाम खुलाफा में। हमने क्या किया इस विलायत को बचाने के लिए? जानते क्या हैं? अगर कोई दुश्मन कल आपके सामने आके कहता है इसी आयत में अल्लाह की विलायत, रसूल की विलायत और रकू में जकात देने वाले की विलायत नहीं बल्कि खुजू करने वाले की विलायत है, क्या कहेंगे? क्या जवाब है? तमाम अशिया का मालिक और हक के तसर्रुफ रखने वाला। वली सिर्फ दोस्त नहीं है, वली सिर्फ मुहिब नहीं है, वली सिर्फ नासिर नहीं है, वली यानी तसर्रुफ रखने वाला तमाम अशिया पे, ना सिर्फ एक दो, वली यानी तसर्रुफ रखने वाला। अल विलाया ये तमाम वली से निकले, अल विलाया वाव के नीचे अगर जेर दे दे अल विलाया तो ये वही वली का मजदर कहलाएगा, यानी उसी से निकला है। अब इसका मतलब क्या है? अल विलाया का मतलब है सल्तनत व अमारत, हुकूमत इख्तदार, हुकूमत व इख्तदार इसका मतलब है। और अगर इस विलाया को वलाया पढ़ें यानी वाव पे एक जबर दे दें तो इसका मतलब है नुसरत, मदद। एक वाव को कसरा देने से विलाया यानी हुकूमत इक्तेदार, उसी वाव को जबर देने से वलाया यानी नुसरत और मदद। औला ये भी इसी वली से निकला है, औला यानी मतलब है ज्यादा हकदार। मैं क्या तुम्हारे, रसूल अल्लाह ने नहीं कहा क्या मैं तुम्हारी जानों से औला हूं या नहीं, तुम्हारी जानों पे तुमसे ज्यादा हक रखता हूं या नहीं? सबने कहा था भला या रसूल, क्यों नहीं रखते? हर मुसलमान का यकीदा है कि रसूल अल्लाह हक रखते हैं। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया हम जो खुम्स ले लेते हैं ना, पांचवा हिस्सा तुम निकालते हो, 20% जो निकाल देते हो, ये जो हम खुम्स ले रहे हैं लुत्फ कर रहे हैं, वरना अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उस पर हमें हक के तसर्रुफ है, हक के तसर्रुफ आगा जान, हक के तसर्रुफ। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी हालत इस वक्त जानते हो क्या है? एक खाली कटोरा, लकड़ी का बना हुआ खाली कटोरा भी मैं तुम में से किसी के सुपुर्द करने से डरता हूं, मुझे खौफ है कि कहीं मैंने तुम्हारे जिम्मे लगाया तुम उसका कुंडा उतार के ना ले जाओ। क्यों? क्योंकि किसी पे भी मुझे अब एतबार, 25 साल अली के सुकूत पे कोई आवाज नहीं उठ, ये आवाज ना उठना बता रही कि अली के दिल में दर्द कितना है। मौला फरमाते एक चगनाई के मानिंद मुझे मिले हो, मैं राजी हूं कि मेरे 10 ले जाए बनू मैया का सरगना, 10 ले जाए अपना एक दे दे। मौला क्यों? अरे वो बातिल है, उसकी आवाज पे मुत्तहिद है, मैं हक पे हूं और परागंदा है।
मुझे मानने वाले, सिर्फ नाम ले लेना काफी नहीं है, उनकी मानना पड़ेगा। विलायत के निजाम को हिफ्ज करना होगा, इस विलायत के मफहूम को समझना होगा, लफ्ज वली को अपने बच्चों में मुंतकिल करना होगा। एक बाप, मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरा वालिद हूँ, मैं तेरा सरबरा हूँ, उसे कहे मैं तेरा वली हूँ, मैं तेरा सरपरस्त, मैं तेरा हाकिम हूँ, ताकि आपके जरिए से आपका बेटा अपने वक्त के इमाम के लिए तैयार हो सके। उसी निजाम विलायत की एक मुख्तसर सी करी विलायत फकीह है। अगर वली आलिम हो वो विलायत फकीह है, एक घर का वली बाप है वो विला वली है। निजाम विलायत अगजन फकत इमामों तक मुनहसर नहीं है, इमाम से जो मुत्तसिल हो जाए वो भी इसी निजाम विलायत का असर रखता है। आप इस घराने को देखें, क्या आज जिस हस्ती से मंसूब शब है हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, विलायत रखती थी? नहीं। अजीब विलायत, कूफे के बाजार में जब हंगाम था लोगों का, शोर था लोगों का, बीबी ने अपनी विलायत वहां जाहिर की। वो बीबी के जिसके सीने पे 18 बायों का दाग, वो बीबी की शीश माहे को अपने सामने छिदा हुआ देखा है, वो बीबी कटी हुई रगों पे बोसे दे के आ रही है, वो बीबी के जो पसे पुष्ट हाथ बने हैं नमाज अदा कर रही है, वो बीबी के जिसकी नमाज शब कोई कजा नहीं हुई, वो बीबी के जो मुहाफिज इमामत है सैयद सज्जाद को जलते हुए खैमों से बाहर ला रही है, और जुमला खुदा की कसम अजीब है किताबों में, बीबी कह रही है ए ज़ैनुल आबिदीन अब वक्त का इमाम तू है। खातून, एक औरत के वक्त का इमाम बचा रही है, निजाम बचा रही है बीबी। और जब आ रही है कूफे में और लोगों ने शोर करना शुरू किया, बीबी ने कहा सैयद सज्जाद से, बेटा इन्हें को खामोश हो जाए। कहा पुपी अम्मा खामोश नहीं हो रही, मेरे बस में नहीं है इन्हें खामोश करना। सैयद सज्जाद की तरफ एक निगाह की बीबी, और फिर उस हजूम की तरफ निगाह की, और पूरे हजूम की तरफ अंगुष्ट करते हुए बीबी ने कहा उसकुत, खामोश हो। ये जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलायत है कि बीबी ने यहां से एक जुमला कहा, रवायत में मौजूद आयतुल्लाह दस्तगैब लिखते हैं जिंदगानी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में, कि बीबी के इस जुमले के बाद ऊंट के गर्दन में लटकती हुई घंटी तक साकित हो गई। ये विलायत नहीं तो क्या है? अरे जनाबे ज़ैनब ने इस चीज को हिस किया, हमें भी हिस करना है, हमें भी महसूस करना है आगा जान, हमारी घरों में ये विलायत का निजाम राइज होगा, किसी ना किसी की विलायत। आप विलायत से खाली नहीं है, जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का दर्स है, अपनी जान जाती है चली जाए, हत्ता औरत जात के लिए सबसे हसास उसका मकना और चादर है। बीबी ने ये भी कुर्बान कर दी निजाम बचाने के लिए। अगर आप निजाम ना होता, निजाम विलायत ना होती, असलन सब कुछ डह जाता, दीन की इमारत ही डह जाती। हुसैन अलैहिस्सलाम को जरूरत है मुजाविर बन के, मौला अब अब्दुल्लाह हुसैन बहुत देर तक मदीने में जिंदगी गुजार सकते थे, रसूल के रोजे का मुजाविर बन जाते, मुतवल्ली बन जाते, खिदमत गुजार बन जाते, यही तो वो चाह रहे थे। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक निजाम दिया है, जिस निजाम को बचाने के लिए बीबी ने पेशियां भुगती हैं, कूफे में भी गई हैं तो निजाम के लिए गई हैं, शाम में भी गई हैं तो निजाम के लिए गई हैं। निजाम विलायत, अल्लाह अकबर। आप जरा कभी सोचे जनाबे ज़ैनब शाम में क्यों है, जनाबे ज़ैनब शाम गई क्यों, और जनाबे ज़ैनब जब शाम से निकली है तो किस अंदाज से निकली है? कहा यूं नहीं जाऊंगी, 3 दिन तक यहाँ रहूंगी, आजादारी करूंगी, स्याह पर्दे लगाऊंगी और अपने भाई की मजलूमियत को बयान करूंगी। क्या फकत मकसद ये था जनाबे ज़ैनब का कि मैं चंद दकीके गिरिया कर लूं भाई पे? कटे सर जब आ रहे हैं तो एक एक की मुसीबत को बयान किए। ये भी वफादार था हुसैन का, ये भी हुसैन पे जान सारी का इश्क रखता था, तभी तो आज इसका सर है आपके सामने और बीबी ने फसी बली खुतबे दिए हैं। निजाम विलायत का बचाना होगा।